नमस्कार, आप सभी दर्शकों का सीएम चैनल में स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के चेंबूर में आशीष तालाब के पास। तीन राज्यों में जिस तरह कांग्रेस की सत्ता आई है और कांग्रेस के सीएम बन जा चुके हैं, उस उपलक्ष्य में मुंबई कांग्रेस के तरफ से, मुंबई यूथ कांग्रेस के तरफ से यहाँ पे एक जल्लोष का सभा रखा गया है, जहाँ पे कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता उपस्थित रहेंगे, पूर्व महाराष्ट्र के सीएम उपस्थित रहेंगे। लेकिन देखना यह है कि कांग्रेस पार्टी जिस तरह तीन राज्यों में चुनाव जीत कर आई है, अब मुंबई में भी उसका जल्लोष बड़े पैमाने में देखने को मिल रहा है। हमारे साथ अभिषेक मिस्त्री जी हैं, यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, आइए उनसे जानते हैं। इस जल्लोष में उनके साथ हजारों की संख्या में समर्थक शामिल हो रहे हैं। आइए अभिषेक मिश्री जानते हैं। अभिषेक जी, क्या कहेंगे जिस तरह तीन राज्यों में आपकी पार्टी चुनकर आई है, क्या कहना चाहेंगे? आज उसी उपलक्ष्य में जो तीन राज्यों में जो बंपर जीत मिली है कांग्रेस को, उसी उपलक्ष्य में आज मुंबई कांग्रेस ने आज जो चेंबूर विधानसभा में जाहिर सभा जल्लोष का आयोजन किया है, उसी सभा में आज हमारे एक्स सीएम और महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष अशोक चव्हाण साहब और विरोधी पक्ष नेता राधाकृष्ण विखे पाटिल जी आज उपस्थित रहने वाले हैं। और हम यूथ कांग्रेस हमेशा की तरह कांग्रेस बेसिक कांग्रेस कंधे से कंधा मिलाकर आज इस सभा में सहभाग होने वाला है। और हमारा ये आज का जो प्रयास है कि आप आने वाले दिनों में 2019 के लिए अभी सिर्फ 10 दिन बाकी है और 100 दिन चुनाव के लिए मुझे लगता है बाकी है। और ये हमारा ये आज जो है चेंबूर से इसका आगाज़ हो चुका है। 2019 में हम राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाकर ही रहेंगे। जी हाँ, जिस तरह 2019 की चुनावी बिगुल बज चुकी है, महाराष्ट्र चेंबूर की एक तस्वीर है, आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में यूथ कांग्रेस के समर्थक अभिषेक मिस्त्री के नेतृत्व में इस जल्लोष सभा में शामिल होने वाले हैं। ये उसकी तस्वीर है, ये झांकी है, हजारों की संख्या में कार्यकर्ता अभिषेक मिस्त्री के साथ इस जल्लोष में शामिल होने जा रहे हैं। अभिषेक जी, क्या कहेंगे जिस तरह आपके साथ इतने कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ताओं को क्या कहना चाहेंगे और महाराष्ट्र में वापस आपकी सत्ता आ सके, कांग्रेस पार्टी का सीएम बन सके, उसके लिए क्या कहेंगे? मेरे सभी युवा भाइयों से मेरा यही कहना है कि आने वाले चुनाव तक हमें रुकना नहीं है, कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर, मेहनत कर घर घर में, गली गली में जा जाकर हमें कांग्रेस का प्रचार करना है और राहुल गांधी को हमें प्रधानमंत्री बनाना ही बनाना है। जी हाँ, उसकी ये तस्वीर है, जिस तरह 2019 की चुनावी बिगुल बज चुकी है, ये जिस तरह यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पे सभा में मौजूद हैं, उसकी तस्वीर है कि 2019 में इस महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी की सत्ता आ सकती है। कैमरामैन आनंद गौड़ के साथ राज पांडे, सीएन न्यूज़ मुंबई।